हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल स्वाद जबान पर में बहुत बहुत स्वागत है। हर घर में केक की जरूरत पड़ती है, हर मौसम में, बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी। आज मैं आपको केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और स्पंजी केक बनाने के लिए कुछ टिप्स भी बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, मैं मेजरमेंट बताती हूँ। मैदा 1.5 कप, मैदा, चार चम्मच दूध पाउडर, देखिए इस चम्मच से चार चम्मच दूध पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, देखिए एक चम्मच बेकिंग पाउडर, बैटर बना लेते हैं। एक आधा कप घी डालते हैं, रिफाइंड तेल डाल लेते हैं, अब मिक्स करते हैं। एक कप पीसी चीनी इसमें मिलाएंगे, 250 ग्राम ये चीनी है। इसमें मैदा ये 250 ग्राम एक कप और आधा कप 125 ग्राम मिलाएंगे। पचास ग्राम सूजी जिसे हम इसमें मिलाएंगे, एक कप दूध लिए हैं, अब इसको दूध से मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाएंगे ताकि बैटर गीला मत हो जाए। वेनिला एसेंस की कुछ बूंदे, आधा चम्मच करीब वेनिला एसेंस इसमें मिला देंगे। हम वेनिला एसेंस केक बना रहे हैं, ये बहुत जरूरी है वेनिला एसेंस डालना। इसमें 3 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे, आप चाहे तो नींबू का रस मिलाएं या फिर ताजा दही मिलाएं, क्योंकि ये खट्टा होता है और खट्टे से हम जो सोडा डाले हैं वो सोडा क्रिया करता है, उससे केक सॉफ्ट बनती है। सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है, इसको खूब मिलाएं, अच्छे से मिला दें। केक को बेक करने के लिए गैस में एक पतीले को चढ़ाते हैं, गैस को मीडियम टू हाई करते हैं, अब इसमें नमक मिलाते हैं, अब इसको ढक्कन बंद करके गैस को सिम करके रख देते हैं। केक का बैटर बनाने से पहले केक के टिन में पहले ग्रीस तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब इस पेपर को इसमें बिछा देते हैं। फिर से इस
इसमें ऑयल लगा देते हैं ताकि केक चिपके ना। यदि ऑयल अच्छे से हम लगाएंगे तो केक नीचे तल पे चिपकेगा नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए ऑयल लग चुका है, उसमें इस बैटर को डाल देते हैं। डालने के बाद दो तीन बार टेप करते हैं। टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसमें एयर बबल्स हो जाएगा और केक की आकृति अच्छी नहीं दिखेगी। अब इसको गर्म करेंगे, पतीले पे रख देते हैं। अब इसमें अपने बैटर को रखते हैं, इसमें स्टैंड रख लेते हैं। चाहे स्टैंड पहले रखो चाहे बाद में, मैंने बाद में रखा है। ये स्टैंड रख लिए, अब इस बैटर को सावधानी से रखें। इसे बराबर कर दीजिए, ढक्कन बंद करके। गैस सिम है, मैं आपको बताती हूँ, गैस यदि हाई होगा तेज होगा तो केक ऊपर से फट जाएगी, इसीलिए गैस को सिम रखना जरूरी है। अब 45 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स 45 मिनट हो गया है, अब केक को खोल के देखते हैं। केक अच्छे से सिक चुका है, नाइफ की मदद से देखते हैं। देखिए नाइफ साफ है, केक बेक हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं, इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, लेकिन ढक्कन नहीं ढकना है। दस मिनट हो चुके हैं, अब केक को निकाल लेते हैं, संभाल के निकालना है। केक को केक टिन से निकाल लेते हैं, पहले चम्मच से किनारे किनारे का पहले ऐसे कर लेते हैं ताकि केक टूटे ना। प्लेट में इसे पलटते हैं। इसे टेप करते हैं, टेप करके केक को निकालते हैं। देखिए केक आसानी से निकल चुका है, ये बटर पेपर निकालते हैं। देखिए केक का बटर पेपर निकल गया है, केक कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और देखने में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये व्हाइट वनीला केक है, देखिए स्पंजी, देखिए इसको आप देखिए सीधा कर लिए।